नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के इस पीईटी के विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से किस तरीके से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इससे आपकी तैयारी बढ़े और पीईटी में ज्यादा से ज्यादा सवालों को आप लोग हल कर सकें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक क्लास हम लोगों ने जो है पहले ही देख लिया है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थव्यवस्था में उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और अन्य टॉपिक और जो है शीर्षक को कवर करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो नेशनल इनकम को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी सवाल आते हैं, उसके बाद जो हम कृषि को समझेंगे, फिर सतत विकास और कुछ एसडीआई और एसडीजी इत्यादि के संदर्भ में सरकार की इकोनॉमिक जो है घोषणाएं की गई हैं, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो हम लोग नेशनल इनकम से आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हम देखेंगे कि इसका क्या जो है और ये इसके क्या परिभाषाएं हैं, इससे जुड़ी कुछ अन्य अवधारणाएं हैं जिसको यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो बेसिकली राष्ट्रीय आय को हम जब समझने का प्रयास करते हैं तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वहां के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। यद्यपि इससे जुड़ी हुई कई और अवधारणाएं हैं, फिर भी यहां पर इसको सामान्य रूप से समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय आय में जो है कई प्रकार की जो है चीजें आ जाती हैं, राष्ट्रीय आय में कई प्रकार की जो है अवधारणाएं इसमें शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय में कई प्रकार की अवधारणाएं शामिल होती हैं। एक तो यह हो गया कि इसमें जो है एक निश्चित समय की बात कही जाती है, और यह सामान्यतः जो है एक वित्तीय वर्ष होता है। तीसरा है अंतिम वस्तु एवं सेवा, और अगला है मौद्रिक मूल्य। ये कुछ चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं राष्ट्रीय आय में कि एक निश्चित समय में अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। अभी हम राष्ट्रीय आय को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और इसी तरीके से एनडीपी, जीडीपी और एनएनपी जिसको सार्ट में कहा जाता है उसको समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय को ही समझते हैं एक सामान्य संदर्भ में। अगर देश के बारे में बात किया जाए तो भारत में जो लोग रह रहे हैं एक वित्तीय वर्ष यानी कि वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, अंतिम वस्तु और सेवा, इंटरमीडिएट नहीं, बीच की चीजें नहीं, जो फाइनल बन चुकी हैं जो कि उपभोक्ता के रूप में प्रयोग में लाई जाएंगी, अभी हम थोड़ा सा उसको भी समझ लेंगे कि इसका क्या अर्थ है, उनका मौद्रिक मूल्य जो होगा वही राष्ट्रीय आय होगा। अब राष्ट्रीय आय का मतलब ये नहीं कि अगर कोई रेडियो बन गया तो हम रेडियो को जो है जोड़ लेंगे राष्ट्रीय आय में। रेडियो का एक मूल्य होगा जो कि एक स्वीकृत होगा, और वही मूल्य जो है सभी वस्तुओं के मूल्यों से गुणा करके निकाल दिया जाएगा और एग्रीगेट कर दिया जाएगा, तो वो संपूर्ण रूप में जो है राष्ट्रीय आय जो है कहलाता है। तो ये साधारण और सामान्य अर्थों में राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो गई। यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियों को जो है नहीं जोड़ा जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियों को नहीं जोड़ा जाता है। इसी तरीके से हस्तांतरण आय को जो है नहीं जोड़ा जाता है। हस्तांतरण आय का मतलब जैसे पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, या इस तरीके से जिसका कि उत्पादन में कोई रोल नहीं होता है तो उसे हस्तांतरण आय जो है कहा जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे घरेलू वस्तुओं के लिए है, और एक यहां पे और चीजें अगर देख लिया जाए मध्यवर्ती वस्तु इसको भी नहीं जोड़ा जाता है। अब यहां पर ये चीजें निकल के आती हैं कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, ऐसी वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में बन तो जाती है लेकिन वो उपभोक्ताओं के रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि वो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग में लाई जाती है, उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। तो
तो ये वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में अग्रित नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि अंतिम वस्तु का तात्पर्य है कि वो उत्पादन की प्रक्रिया में बनी हुई ऐसी वस्तु जो उपभोक्ता के लिए तैयार हो जाती है, जिसे उपभोक्ता प्रयोग में लाते हैं, उसे अंतिम वस्तु कहते हैं और वही इसमें शामिल की जाती है। और मौद्रिक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में जो है गेहूं का उत्पादन हो गया, अब ये इसका गेहूं जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जाएगी, उसका मूल्य मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाएगा। अगर स्वीकृत है 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का मूल्य है और 10 क्विंटल किसी भी इकाई में जो उत्पादन होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 के अनुपात में 20,000 रुपये उसका मूल्य हो गया और 20,000 वो राष्ट्रीय आय में अपना योगदान करेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ये बातें निकल करके जो सामने आती हैं। तो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ये चीजें आप लोगों को जो समझ में आ गई होंगी कि एक निश्चित समय में होता है, अंतिम वस्तु होती है, मौद्रिक रूप में उसको आकलित किया जाता है, घरेलू चीजें नहीं सम्मिलित होती हैं, मध्यवर्ती नहीं होती, वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं होती हैं, जैसे कोई अंश पत्र है, ऋण पत्र है, ये सारी चीजें नहीं होती क्योंकि ये भी उत्पादन में अपना योगदान नहीं देती हैं। इसी तरीके से हस्तांतरण आय की भी बात इसमें कही जाती है। अब राष्ट्रीय आय का लेखांकन, लेखांकन राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का लेखांकन करना ही जो है लेखा आय का जो है लेखांकन कहलाता है। कुजनेट्स इसके जो है जन्मदाता माने जाते हैं, कुजनेट्स को इसका जो है जन्मदाता माना जाता है। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए फैक्चुअल रूप में इसको हम दिखा देते हैं। और इसके अंतर्गत GDP और GNP और NNP ये तीन चीजें आती हैं। GDP सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, तो सकल घरेलू उत्पाद हो गया। इसी तरीके से ये हो गया सकल राष्ट्रीय यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये चीजें जो है इसी से बनती हैं, इसी से निकल करके सामने आती हैं कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत जो है एक देश की सीमा के अंतर्गत जो है जितना एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत तो उत्पादित हो जाएगा वह जो है इसमें सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। जब इसमें से डोमेस्टिक को जो है हम नेशनल बना देंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बना देंगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत के निवासी बाहर काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाएगा और जो यहाँ पे निवासी काम कर रहे हैं और विदेशी नागरिक हैं वो उनकी आय को निकाल दिया जाएगा, तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। यानी कि घरेलू को जो है देश की सीमा के बजाय वहां पे उसको क्या कह दिया जाएगा, नेशनल बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय। इसीलिए वहां पे जो है निवासी होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाते हैं आकर के, ये राष्ट्रीय हो जाते हैं, तो यहाँ नागरिकों की बात होने लगती है कि अगर भारत के नागरिक बाहर है तो उनकी आय को ले आएंगे और जो विदेशी नागरिक यहाँ पे रह के काम कर रहे हैं उनकी आय को निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहाँ पे NP तो सेम यही है जो यहाँ पे है वहां पे, अब यहाँ पे ग्रास को नेट कर दिया जाएगा, ग्रास मतलब सकल, नेट मतलब शुद्ध। तो कहने का मतलब जो भी मशीनरी, जो भी चीजें उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जा रही है उसमें कुछ घिसावट आ रहा है, अगली बार उसका डेप्रिसिएशन मूल्य पर होगा, उसका मूल्य कुछ घटेगा डेप्रिसिएशन का, अलग अलग परसेंटेज के आधार पर नियम होता है कि अगर किसी भी वस्तु का मूल्य 1,00,000 रुपये है तो 10 साल अगर उसकी कीमत मानी जाती है तो प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से अगर उसमें घटता है उसका मूल्य तो 10वें वर्ष उसका मूल्य 0 हो जाएगा। जब वो मूल्य तो 0 नहीं होता है क्योंकि मशीन तो बन ही रहेगी, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक शून्य रूप में मान लिया जाता है। तो ये स्थिति हो जाएगी क्या कि वो ग्रास जो है वो नेट में चेंज हो जाएगा और यही NNP है, यही NNP आपके राष्ट्रीय आय की व्याख्या करने में जो है मदद करता है। तो यहाँ पे GDP, GNP और NPP जो इसके पूर्व में हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताया वो एक सामान्य संदर्भों में है, उसे सामान्य रूप से बताने के लिए जो है लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, लेकिन हम राष्ट्रीय आय की जो व्याख्या कर रहे हैं वो इन्हीं बिंदुओं के संदर्भ में विशेष रूप से करेंगे। और अभी NNP एक्ट
फैक्टर कास्ट और एनएनपी की जो गणना है वो मार्केट प्राइस पर जब की जाएगी तब हम इस पे निष्कर्ष में निकालेंगे कि राष्ट्रीय आय वास्तविक रूप में क्या होता है। तो जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी यानी कि यहाँ ग्रास है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक में माने निवासी हो जाएंगे, और जब डोमेस्टिक घरेलू को हम राष्ट्रीय बनाएंगे तो बाहर के लोग जो है निकल जाएंगे और भारत के लोग जो नागरिक है बाहर काम कर रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे जो है जब डिप्रिसिएशन ह्रास को निकाल दिया जाएगा तो ये ग्रास जो है नेट में बदल जाएगा यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हमको ये देखना है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो जो है बाजार कीमत पर, एक जो है बाजार कीमत पर, और दूसरा जो है वो साधन लागत पर। साधन लागत पर, बाजार कीमत पर और साधन लागत पर, इन दोनों में जो है किया जाता है। एनएनपी की गणना बाजार कीमत पर यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना जो है बाजार में परिचित मूल्यों के आधार पर करते हैं तो वो जो है बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहलाती है, और जब राष्ट्रीय आय में प्रयुक्त उत्पादन के साधनों के मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो वो जो है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहलाती है, और यही साधन लागत पर राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड जो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये हो जाता है नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट ही नेशनल इनकम हो जाता है। यहां पर एक और अवधारणा बाजार कीमत है। बाजार में जो कीमतें किसी वस्तु की होती हैं उसमें दो और अवधारणाएं जुड़ जाती हैं, एक तो अप्रत्यक्ष कर हो जाता है और एक सब्सिडी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु की कीमत जो है सौ रुपये है साधन लागत पर, ₹100 उसकी कीमत बन रही है, लेकिन जब बाजार में आएगी तो उसमें दो चीजें हैं, अगर वो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो उसमें सब्सिडी जुड़ जाएगा, सब्सिडी उसमें सरकार देती है, तो सब्सिडी अगर मान लीजिए उस पे जो है सरकार ने सब्सिडी जो है उस पे दिया ₹20, तो वो रेट जो उसमें ₹20 घट करके आएगा वो निकल करके आएगा ₹80। अभी इस पे टैक्स भी मान के चलिए लग रहा है ₹30, तो ये इसमें 30 जुड़ जाएगा तो इसका कीमत क्या होगा ₹110। अब इसमें एक चीज जो है कर जो है जुड़ रहा है और टैक्स इसमें सब्सिडी जो है वो घट रहा है, सब्सिडी जो है सब्सिडी इसमें से घट जाता है और टैक्स जो है वो जुड़ जाता है, तो ये जुड़ करके इसका प्रभावी जो मूल्य मार्केट जो कीमत होगा बाजार कीमत होगा वो ₹110 होगा, लेकिन साधन लागत पर उसका मूल्य क्या था ₹100। तो अब यहां फिगर में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि सरकार ने जैसे ही ₹20 उसमें सब्सिडी दिया तो उसका कीमत घट गया ₹80 हो गया, लेकिन टैक्स भी ₹30 उस पर है तो ₹110 मार्केट में, तो बाजार कीमत के आधार पर हम जोड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, इसलिए हम हमेशा एनएनपी एट फैक्टर कास्ट की बात करते हैं जिसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था के जो है एग्जैक्ट आकार को जो है समझ पाने में सफल होते हैं। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आ गई होंगी। अभी राष्ट्रीय आय का अनुमान, आय अनुमान, यहां से सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 ईस्वी में देश की आय जो है ₹20 अनुमान प्रति व्यक्ति आय लगाया गया था, पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही उनकी पुस्तक का नाम है जिसके द्वारा जो है देश में राष्ट्रीय आय के आकलन 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और आकलन में जो है ₹20 जो है इनकी आय आई थी। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी 1949, यहाँ पर तीन जो है संस्थाएं हैं जिसको देख लेना आवश्यक होगा,
एक 1949 है, एक 1950 है और एक 1951 है और एक जो है 2015 है। ये तीन जो है वर्ष हैं जिनमें एक संस्थाओं की स्थापना की गई जिसको देख लेना हो सके, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति जो है बनाई गई थी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना और गठन 1949 ईस्वी में किया जाता। यही राष्ट्रीय आय का आकलन 1949 ईस्वी में किया। 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में एन एस ओ की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इसे एन एस एस ओ कर दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जिसको हिंदी में बोला जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एन एस एस ओ की स्थापना की गई। ये मूल रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित समंकों का संकलन करता है, समंक मतलब आंकड़ों का संकलन करने का काम बेसिकली 1950 ईस्वी में स्थापित एन एस एस ओ के द्वारा किया गया। और सी एस ओ की स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ये मूलतः जो है राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित जो है कार्य करता है और जो अर्थव्यवस्था से जो है मौद्रिक रूप से जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं उसका संकलन आरबीआई के माध्यम से और सीएसओ के अंतर्गत मिलकर के किया जाता है। तो सीएसओ राष्ट्रीय आय के आकलन करता है। और यहां पे एक संस्था थी नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना 2015 में। एक्चुअली इसको इसलिए यहां पे जोड़कर बनाया जा रहा है क्योंकि 1950 ईस्वी में एक आयोग बनाया गया था, 1950 ईस्वी में बनाया गया था और उसे 2015 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, योजना आयोग जिसका नाम था। और योजना आयोग भी अगर स्वरूप में देखा जाए तो ये भी जो है एक संविधानेतर संस्था थी और ये भी एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर बनाया गया था, ना तो वो संसद के कानून सदन संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम और ना ही जो संविधान के किसी अनुच्छेद के अंदर बनाया गया था। इसलिए नीति आयोग को यह बताया गया कि यह इतने स्वरूप में एक मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर बनाया गया संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में जो है की गई थी। और यह एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो निर्देशात्मक के साथ साथ जो है नीतिगत गतिशीलता के रूप में काम करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी है बेसिकली कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। यह एक केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशात्मकता के साथ साथ जो है नीतिगत मामलों में बदलाव के लिए सरकार को सुझाव देता है। यह बेसिकली योजना आयोग के स्थान पर आया हुआ संस्था था। तो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं जहां से परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको यहां पे समझना आवश्यक है कि 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, एन एस एस ओ की स्थापना 1950 और सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय आय के अनुमान के साथ साथ हम यहां पे जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान की विधियां, अनुमान की विधियां इसको भी देखेंगे। तो विधियां जो है वो तीन प्रकार की हैं, एक तो उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। बेसिकली ये तीनों जो है अलग अलग क्षेत्रों, भारत में अगर राष्ट्रीय आय के अनुमान की बात किया जाए तो भारत में राष्ट्रीय अनुमान में तीनों तरीकों को अपनाया जाता है। कृषि के क्षेत्र में मूल रूप से अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आय के क्षेत्र में जो है से आय को जो है सेवा क्षेत्र में और इसी तरीके से निर्माण के क्षेत्र में यानी कि निर्माण के क्षेत्र में व्यय विधि को प्रयोग में लाया जाता है। उत्पादन के क्षेत्र में कृषि उत्पादन विधि से कृषि के क्षेत्र में आय का अनुमान किया जाता है, आय विधि से सेवा के क्षेत्र में और व्यय विधि से निर्माण के क्षेत्र में अनुमान आय के जो है अनुमान
किए जाते हैं और इस तरीके से भारत में आय के अनुमान के लिए तीन विधियां उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि का प्रयोग किया जाता है जो कृषि सेवा और निर्माण क्षेत्रों में काम करता है। इसके साथ में मैं एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये तीन क्षेत्रों में भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी गतिविधियां बटी हुई हैं। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जब किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करना है कृषि के क्षेत्र में जो है, तो वहां पर हम लोग बीज को जो है भूमि में दबा देते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, सूर्य कि किरणें उसमें आती हैं, हवा का उपयोग करता, तापमान का प्रयोग, तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से यहाँ पे कृषि का उत्पादन किया जा रहा है। तो मूल रूप से यहाँ पे कृषि आता है और यहाँ पे कृषि के साथ साथ में जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी, ये पांच चीजों को कृषि के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे चूंकि मूल रूप में जो है कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और यहाँ पे जब कृषि के साथ में जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी को जोड़ा जाता है तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी उसको कहा जाता है। तो कई नामों से प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कृषि एक बड़ा क्षेत्र, इसलिए पूरे क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा दिया जाता है, लेकिन उसका सही नाम जो प्राथमिक सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो है। द्वितीयक है जब हम उत्पादित किए गए वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन करके किसी नए वस्तु का निर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इसमें चूंकि वस्तु का जो है निर्माण करने के बाद पुनः निर्माण किया जाता है इसलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को जो है सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं किया जाता है लेकिन यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में जो है उत्पादन में सहयोग करता है, इसीलिए इसे जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चिकित्सा, शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, होटल, संपदा, व्यापार, विदेशी क्षेत्र, इनको सम्मिलित किया जाता है। ये समस्त क्षेत्र इसमें जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये सारा जो आज के ये लेक्चर चल रहे हैं ये सभी परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, आपके विशेष रूप से एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। इस एग्जाम के लिए ये सारे जो है विश्लेषण और ये सारी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, ध्यान देना है। एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो बेसिकली ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा फिगर आप लोगों के लिए। तो राष्ट्रीय आय में ये चीजें जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी जिसका हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। राष्ट्रीय आय के बाद यहाँ पे कृषि को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कृषि, अभी जब हम लोग अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों की बात किया तो उसमें कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका कि राष्ट्रीय आय में भी योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, निर्यात में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो कृषि प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्रता के बाद से लेकर के आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है कि बेसिकली स्वतंत्रता के समय जो योगदान कृषि का भारतीय आय में था वो आज की तिथि में नहीं है। ये एक विकसित होते हुए अर्थव्यवस्था की तरफ संकेत देता है कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो पहले जो है सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र का और उसके बाद तत्पश्चात जो सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है वो प्रतिशत के रूप में भले घटा है लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो मात्रात्मक रूप से इसका आकार बढ़ा है लेकिन प्रतिशत योगदान इसका घटा है। कहने का तात्पर्य अर्थव्यवस्था भी जो है स्वतंत्रता के बाद से बढ़ता हुआ
आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो है वो सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए प्रतिशत योगदान जो सेवा क्षेत्र का आने वाले समय में बढ़ गया। तो वर्तमान समय में 13-14% ही राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है, 29-30% आपका द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है, क्योंकि इसी उद्योगों में ही द्वितीय क्षेत्र का जो विनिर्माण किया जाता है, और तृतीय क्षेत्र का जो है इसी तरीके से 55-56% का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। तो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि की अपनी कुछ समस्याएं हैं, जैसे भारत में जो है कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत में भी केवल 46% क्षेत्र पर ही जो सिंचाई की सुविधा विद्यमान है। 46% क्षेत्र पर ही भारत में अगर देखा जाए तो सिंचाई की सुविधा, यानी कि अभी भी 54% क्षेत्रफल ऐसे हैं जहां पर बारिश के लिए जो है कृषकों को निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात वहां पर कहीं ना कहीं कृषि जो मानसून का जुआ इसीलिए जो है कहा जाता है। तो एक समस्या जो है कृषि में जो है सिंचाई की जो है बनी हुई है, इसीलिए कृषि में जो है कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जोतों का छोटा आकार यह भी एक दूसरी समस्या है। आधुनिक यंत्रों का अभाव, कृषकों की आय कम है, इसलिए आज की तिथि में इनके पास ट्रैक्टर, सभी किसानों के पास भारत में अभी भी ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, इसी तरीके से उसमें और भी संयंत्र मड़ाई के लिए कटाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि भारतीय कृषकों के पास नहीं है, उन्हें दूसरों के ऊपर इसके लिए निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए समय से उनका कार्य भी नहीं हो पाता, उत्पादन की क्षमता जो है प्रभावित होती है। तो ये भी जो है एक प्रकार की अगर देखा जाए तो समस्या आधुनिक यंत्रों की जो है समस्या है। इसी तरीके से विपणन की समस्या का मतलब क्या है, कृषि के जो अतिरेक है उत्पादन के बाद जो किसानों के पास अपने उपयोग के बाद बच जाता है उस खाद्यान्न की बिक्री को कहा जाता है विपणन। तो कृषकों के पास विपणन की भी समस्या है, क्योंकि इनके पास ना तो अपने साधन है जिससे वो मंडियों में ले जा पाए, बिचौलियों के पास इनको बेचना पड़ता है, इसलिए इनके अपने उपज के अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, और संस्थागत ऋण का अभाव, संस्थागत जो है ऋण का अभाव, भंडारण की समस्या, भंडारण की समस्या मतलब उनके पास रखने के लिए पर्याप्त गोदाम नहीं है, ऐसी स्थिति में वो लंबे समय तक अपने खाद्यान्न को सुरक्षित रूप में नहीं रख पाते हैं, और मजबूरी में उन्हें औने पौने दाम पर जो है किसी न किसी को बेचना पड़ता है, जिसे उनके अपने उपज के कम मूल्य प्राप्त हो पाते हैं। तो भंडारण की समस्या इनके पास सबसे बड़ी समस्या है। परिवहन की जो है समस्या ही भी इनके पास बनी हुई, जिससे अपने खाद्यान्न को सही जगह पर मार्केट में नहीं ले जा पाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही समस्याएं हैं भारतीय कृषकों की जो है समस्याएं है, जिनके कारण से इनको अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है भारतीय कृषकों की जो है कई समस्याएं हैं, और इनका की देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी नहीं हो पाता है, और यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी की भी समस्या, आपको खैर बेरोजगारी के टॉपिक में भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रचंड बेरोजगारी की भी समस्या बनी होती है। इसका तात्पर्य, प्रचंड बेरोजगारी से तात्पर्य है कि एक ही खेती में जहाँ पे 5 लोग काम कर सकते हैं वहाँ 8 लोग काम करते हैं, उत्पादन उतना ही होता है, 3 लोग छिपी हुई स्थिति में बेरोजगार रहते हैं, इसलिए उसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान भी कृषि का है, जैसे कच्चे माल के रूप में कच्चा माल उद्योगों को जो है यहां से मिलता है, कच्चे माल के रूप में, तैयार माल के खपत के रूप में, राष्ट्रीय आय के रूप में, निर्यात यानी कि विदेशी आय के प्राप्ति के रूप में, ये सारी चीजें इसका जो है योगदान भी इसके हैं, जिसे आपको समझना होगा,
क्योंकि हम किसी भी टॉपिक का एक पक्षीय अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने समझ में जो है सम्मिलित करना होगा। ये राष्ट्रीय आय के जो है कृषि के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हरित क्रांति से भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखने का जो है प्रयास करेंगे। राष्ट्र हरित क्रांति, हरित क्रांति को समझने के लिए हमें क्रांति को भी समझना आवश्यक होता है। क्रांति एक विशिष्ट प्रकार का जो है आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हैं तो वहां क्रांति से क्या तात्पर्य है कि भारत के लोग उनके विचारों में इतना परिवर्तन हुआ कि वह देश में अंग्रेजों की बनी बनाई जो है व्यवस्था को पलटने के लिए जो है प्रयास करने लगे। अगर वो कुछ परिवर्तन की बात करते तो उसे सुधार कहा जाता, लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही पलटने की बात कही, इसीलिए उसे क्रांति कहा जाता है। तो क्रांति से तात्पर्य, अब चूंकि यहां पे किस क्षेत्र में क्रांति की बात की जा रही है, हरित क्रांति की बात की जा रही है। हरित माने कृषि से संबंधित, यानी कि एक ऐसा पहल और प्रयोग जो कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आया, उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति बेसिकली 1967 या 1966-67 भी लिखा रहता है, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना। 1966 और 67 में जो हरित क्रांति भारत में प्रयोग लाया गया, इसमें दो व्यक्तियों का भी रोल था, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन, दो व्यक्तियों का, बोरलॉग नॉर्मन बोरलॉग जिनको कहा जाता है और एम एस स्वामीनाथन। तो इन्होंने वैश्विक स्तर पर कृषि के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई। और इसी तरीके से एम एस स्वामीनाथन मैक्सिको मूल के थे जो है ये निवासी, और बाद में अमेरिका के नागरिक हो गए। तो यहां से भी सवाल पूछा गया कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो है कहाँ के नागरिक थे, तो अमेरिका इसका जो है सही उत्तर है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो एम एस स्वामीनाथन है जो कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी की जनक भी इनको कहा जाता है, और एम एस स्वामीनाथन के द्वारा जो प्रयोग में लाया गया, उनके प्रयोग के बाद भारत में हरित क्रांति लाई गई। तो यहाँ पे दो चीजें कब लाई गई, 1966-67 में बोरलॉग वैश्विक स्तर पर, भारत में एम एस स्वामीनाथन, और ये तीन क्षेत्रों में थी। एक तो सिंचाई, बीज और उर्वरक। सिंचाई, बीज और उर्वरक, इसके माध्यम से जो है भारत में हरित क्रांति को लाया गया। तो भारत में जो है सिंचाई, बीज और उर्वरक, इन तीनों के प्रयोग के माध्यम से जो भी कृषि में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, वही जो है क्या कहलाया, हरित क्रांति। तो ये चीजें थी, इसका जो है जो परिणाम था वो बेसिकली तीन ही प्रकार से निकल करके सामने आया। एक तो सिंचाई, बीज और उर्वरक का प्रयोग किया गया, दूसरा कि ये जो है क्षेत्र, फसल और किसान, इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रभाव डाला। ये सभी क्षेत्रों में नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इसका व्यापक प्रभाव था। फसलों में जो है अगर देखा जाए तो गेहूं, चावल और मोटे अनाजों पर था। किसानों में इसका फायदा जो बड़े किसानों को मिला। तो तीन चीजें इसमें प्रयोग में लाई गई, तीन प्रकार से ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के स्वरूप को बदलने में योगदान भी दिया। वो था क्षेत्र के आधार पे, फसल के आधार पे और किसानों के आधार पे। यानी कि क्षेत्र में देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया। फसलों की अगर बात किया जाए तो ये फसल में जो है वो मोटे अनाज, गेहूं और चावल, यानी कि गेहूं सबसे ज्यादा, फिर चावल, फिर मोटे अनाज, और किसानों में बड़े किसानों
को ज्यादा से ज्यादा इसने प्रभावित किया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये उपलब्धि तो थी लेकिन इसका उपलब्धि जो था वो सीमित था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2005 ईस्वी में जो किसान आयोग बनाया गया था उसी के रिकमेंडेशन के बाद जो है द्वितीय हरित क्रांति की बात कही गई। ये द्वितीय हरित क्रांति क्या है? द्वितीय हरित क्रांति जो है इनकी कमियों को दूर करने के लिए दिया गया एक अवधारणा या विचार है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के फसलों, सभी क्षेत्रों और सभी किसानों को लाभान्वित करने की बात कही जाती है। विशेष रूप से इसमें दलहन और तिलहन के मामले में भारत की स्थिति कमजोर बनती है, हमें बाहर से जो है आयात करना पड़ता है, दालों को भी आयात करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है पहले बार जो प्रयोग में लाई गई उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति की यहाँ पे बात कही जाती है। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है कि इसका विकल्प जो द्वितीय हरित क्रांति है जिसे सदाबहार क्रांति के नाम से, सदाबहार मतलब सभी क्षेत्रों में सभी फसलों की बात यहाँ पे की जाती है। कृषि पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो दो चीजें और भी देख लेते हैं। एमएसपी एक है, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक होता है एमएसपी हो गया, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस और एक हो गया इशू प्राइस। तीन प्रकार के प्राइस की बात की जाती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है और सरकार इसकी घोषणा करने से पूर्व जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पे सवाल जो पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। एमएसपी की घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इसकी अनुशंसा है, जो इसकी अनुशंसा है, ये अनुशंसा जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है और इस अनुशंसा के आधार पर एमएसपी की घोषणा जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। अब जब इसकी खरीद हो जाती है फसल की, तो खरीद के समय जो है एक्चुअली इसमें यह अंतर देखा जाता है कि यदि सरकार जो है फसल के शुरुआती में फसल को जो है उत्पादन के पूर्व ही जो है घोषणा कर देती है ताकि किसानों को यह आश्वासन मिल सके कि उसको न्यूनतम इतना मूल्य मिलेगा, और प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी कि वसूली मूल्य या खरीद मूल्य जिसको कहा जाता है, तो यह खरीद के समय किसानों को दिया गया मूल्य अगर इसमें जो है इसका मूल्य मार्केट प्राइस कम हो जाता है उत्पादन के बाद, अगर इसमें बाजार मूल्य से जो है एमएसपी ज्यादा होती है तो वो इसी मूल्य पर खरीद लेता है। अगर बाजार मूल्य ज्यादा हो जाता है तो सरकार जो किसानों को बोनस देती है और ये प्रोक्योरमेंट प्राइस का कांसेप्ट आता है। सामान्यतः ये दोनों मूल्य समान होता है क्योंकि जो बाजार मूल्य है वो हमेशा कम ही रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार ज्यादा मूल्य पर जो है खाद्यान्न को खरीद लेती है, यानी कि ये दोनों मूल्य बराबर हो जाते। अब जब ये इसे वसूली कर लिया और सरकार भंडारण करने के बाद जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है इसका प्रयोग करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जिसको पीडीएस सिस्टम को कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो उसे जो है इशू प्राइस कहा जाता है, निर्गमित मूल्य से वो बोला जाता है। ये सामान्यतः सरकार सब्सिडी दे करके कम से कम दामों पर खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए देता है। तो ये यहाँ पे एमएसपी, प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस जैसे तीन मूल्य की चर्चा की जाती है। और इसको चर्चा करने के दौरान देखा जाए तो यहाँ पे दो और चीजें निकल करके जो सामने आती हैं, एक तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और दूसरा है पीडीएस, और तीसरा है एफसीआई। ये तीनों को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये तीनों ही इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। इसकी स्थापना बेसिकली 1965 ईस्वी में किया गया था, लेकिन उस समय कृषि मूल्य आयोग था, बाद में 1985 ईस्वी में इसका मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है।
यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना है कि गन्ने के लिए भारत में उचित एवं लाभकर मूल्य दिया जाता है, उचित एवं लाभकर मूल्य, उचित एवं लाभकर मूल्य दिया जाता है। तो अगर गन्ने के बारे में पूछता है तो गन्ना जो समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय जो है ये किसमें सम्मिलित होता है, उचित एवं लाभकर मूल्य दिया जाता है। तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कृषि फसलों के जो है बिक्री के पूर्व में जो है उत्पादन के पूर्व में इनके मूल्य के संदर्भ में सरकार को अपनी अनुशंसाएं पेश करता है और इन्हीं अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य की। तो ये कहलाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पीडीएस। ये जो है 1952 ईस्वी से ही जो प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा इसका स्वरूप बदलता रहा है, अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा चेंज रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत खाद्यान्न को कम दामों पर दिया जाता है जिससे समाज के गरीब वर्गों को खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और 1952 से प्रारंभ होकर के इसमें 2013 में ईस्वी में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया और इसके अंतर्गत जो है 75% और 50%, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है और ये जो है वो शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो है ये बातें कही गई कि 75% ग्रामीण क्षेत्रों को और 50% शहरी क्षेत्रों को लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया और एक कांसेप्ट यहाँ पे आता है FCI जो कि 1965 ईस्वी में जो है आया। ये खाद्यान्न की क्वालिटी तीन चीजें देखता है, क्वालिटी को देखता है, बफर स्टॉक के रूप में रखता है और खाद्यान्न का भंडारण का काम करता है। तो बेसिकली ये तीन प्रकार के काम यहाँ पे वर्तमान समय में है। इसकी स्थापना मूलतः जो है बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जब देश के समक्ष कोई संकट आ जाता है तो संकट से निपटने के लिए यहाँ से खाद्यान्न दिया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में पीडीएस सिस्टम से भी इसको जोड़ दिया गया है और पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो राज्य के विभिन्न राज्यों में जो है एजेंसियों को खाद्यान्न यहाँ के भंडारण इकाइयों से दिया जाता है। तो ये चीजें जो है कृषि के संदर्भ में देखने को मिलती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पीडीएस सिस्टम जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है लाया गया और इसके साथ साथ जो है 1965 ईस्वी में FCI की जो स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण थी कृषि के संदर्भ में जो कि हम लोगों ने चर्चा किया। कृषि के संदर्भ में ये भी ध्यान में रखना है कि गेहूं, चावल, खाद्यान्न और गन्ना इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन, ये दोनों में ही यूपी पहले स्थान पर है। चावल में जो है पश्चिमी बंगाल, और गेहूं में जो है पंजाब। ये स्थिति है, यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं तो इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। तो कृषि के संदर्भ में इस लेक्चर में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को देखा, कृषि से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उसको हमने देखा। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है इन सभी बातों को जो है दोहराना है, इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, परीक्षा में जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और परीक्षा के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए और परीक्षा में आने वाले सवालों को भी आप हल कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगला लेक्चर इसका दूसरा भाग मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।